गोदारा गैंग का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एजीटीएफ की सूचना पर अमरजीत सिंह बिश्नोई अरेस्ट। इटली के सिसिली में अमरजीत बिश्नोई गिरफ्तार। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन करेंगे मामले का खुलासा। शाम 4:30 बजे पुलिस मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, गोदारा गैंग का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एजीटीएफ की सूचना पर गिरफ्तारी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह खान जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह, देखिए जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है इटली से, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के मुद्दे से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इनकी दिल्ली से टास्क फोर्स की सूचना पर जो इटली के पिछले खास है वहां पुलिस की तरह का जो इनामी बदमाश है मुस्लिम की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी बात इस तरीके से लगातार अलग अलग देशों के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बाकायदा मामले को लेकर पीएचक्यू के अंदर बड़ी पत्रकार वार्ता का भी जो आयोजन है वो किया जाएगा। खुद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से अमरजीत बिश्नोई को इटली से गिरफ्तार किया गया है, तो कब तक भारत जो है उसको लाया जाएगा, इसको लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए साहब, जिस तरीके से तमाम कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद शायद जो इंडिया की टीम है वो अब इटली के लिए रवाना हो चुकी है, और इटली से जल्दी आरोपी को यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर एडीजी क्राइम 4:30 बजे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, उसके बाद आगे कुछ के बाद संभव है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजाउल्लाह से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अमरजीत सिंह बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है इटली से, और अब 4:30 बजे पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तब पूरे मामले का खुलासा होगा। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पूरे मामले का खुलासा करेंगे। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पुलिस मुख्यालय में।